हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवदिशी देवी गंगा त्रिपद गामिनी है। भगवती आदिशक्ति ने सृष्टि विकास के कार्य में विधाता ब्रह्मा जी की सहायता के लिए उन्हें भेजा है। नारायण नारायण। देवी गंगा जल रूपा है। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडलों में स्थान दिया और आवश्यकता अनुसार देवी गंगा की एक एक धारा को अपने कमंडलों से बाहर निकालकर सृष्टि विकास कार्य को पूर्णत्व देने का कार्य किया। नारायण प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। हे कमल नयन, हे शत्रुंजय, केवल 3 कदमों में संपूर्ण विश्व व्याप्त करने वाले विश्वनायक, हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे आराध्य हैं प्रभु। हे विश्वेश्वर, आपके श्वास निश्वासों पर ही लय प्रलय निर्भर है। आप तो अंतर्यामी हैं। आप जान गए हैं कि स्वर्ग लोक का तेज अचानक लुप्त क्यों हो गया है, क्यों हम सबकी गंगा मैया अचानक अदृश्य हो गई है प्रभु। नारायण नारायण, हमें हमारी मैया लौटा दीजिए प्रभु। नारायण नारायण। देव ऋषि, देवेंद्र, देवताओं, देवी गंगा ने मेरे पैरों का आश्रय नहीं लिया है। फिर मैया कहाँ है प्रभु? देव ऋषि, देवी गंगा त्रिपद गामिनी है। भगवती आदिशक्ति ने सृष्टि विकास के कार्य में विधाता ब्रह्मा जी की सहायता के लिए उन्हें भेजा है। नारायण नारायण। देवी गंगा जल रूपा है। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडलों में स्थान दिया और आवश्यकता अनुसार देवी गंगा की एक एक धारा को अपने कमंडलों से बाहर निकालकर सृष्टि विकास कार्य को पूर्णत्व देने का कार्य किया। देवी गंगा की पहली धारा स्वर्ग लोक में अवतरित हुई, जिसे आप सभी सुरगंगा कहते हैं। देवी गंगा की दूसरी धारा प्रवाहित हुई असुर लोक का उद्धार करने के लिए और अब पृथ्वी लोक का कल्याण करने के लिए त्रिपद गामिनी देवी गंगा की तीसरी धारा ब्रह्मा जी के कमंडलू से प्रवाहित होगी, क्योंकि जल रूपा देवी गंगा स्वर्ग से प्रवाहित हुई हैं, इसीलिए उन्होंने फिर से ब्रह्मा जी के कमंडलू का आश्रय लिया है और त्रिपदगा देवी गंगा की तीसरी धारा भी ब्रह्मा जी के कमंडलू में ही स्थित है। समय आने पर यही धारा देवी गंगा के अनोखे रूप में कमंडलू से बाहर आएगी। नारायण नारायण नारायण, आप ही की लीला आप ही जाने प्रभु। प्रभु, आपसे एक प्रार्थना है। आप क्या चाहते हैं देव ऋषि? हमें ज्ञान दीजिए प्रभु कि यदि असुर लोक में देवी गंगा जल रूपा बनकर प्रवाहित हुई तो फिर से ब्रह्मा जी के कमंडल में क्यों गई प्रभु? देव ऋषि, स्वर्ग लोक और असुर लोक में प्रवाहित होने वाली जल रूपा देवी गंगा का रूप पतित पावनी का था, पाप ताप शाप नाशनी का था, उद्धार करने वाली का था, परंतु पृथ्वी लोक का अध्याय सबसे अलग है। पृथ्वी लोक का विस्तार महान है। वहां जहां देवी गंगा का अवतरण होगा तब वो कुमारिका रूप में अवतरित होंगी, जो वेगवती भी होंगी। उनकी जलधारा का वेग महाप्रचंड होगा। एक ही क्षण में वो जिन जिन स्थानों से प्रवाहित होंगी वहां वहां पाप और शाप का उच्चाटन करते हुए आगे बढ़ेंगी, संपूर्ण प्रदेश को पवित्र और सुजलाम सुफलाम करते हुए देवी गंगा का ये कुमारिका रूप आगे बढ़ता चला जाएगा। देवी गंगा इस नए रूप की जलधारा में जहां जहां जाएंगी उनके स्पर्श मात्र से ही लोगों का उद्धार होगा। उनके जल में स्नान करने वालों के सारे पाप धुल जाएंगे
और इतना ही नहीं देवऋषि, मुक्ति के लिए तड़पने वाली आत्माओं को भी उनके जल के स्पर्श मात्र से ही मुक्ति मिल जाएगी। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, मैया का यह कुमारिका रूप देखने के लिए हम उत्सुक हुए हैं, कृपया आप हमें अनुग्रहित कीजिए। आप ब्रह्मलोक जाइए देवऋषि, देवी गंगा का कुमारिका रूप ब्रह्मा जी के कमंडलों से शीघ्र ही प्रवाहित होगा और सुर गंगा पर स्थानपन्न होगा। नारायण 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 नारायण।